मोदी सरकार एक देश एक विधान और एक निशान के एजेंडे पर मुहर लगाने के बाद एक देश एक चुनाव की तरफ कदम बढ़ा रही है। सरकार चाहती है कि इन कदमों को जल्द रफ्तार मिले और देश में एक साथ चुनाव हो, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने मोदी सरकार की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। जी हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने मोदी सरकार की नीति को लेकर ऐसा बयान दिया है जो उसकी उम्मीदों को तोड़ देगा। एक देश एक चुनाव मोदी सरकार के उस एजेंडे में शामिल है जिस पर मोदी सरकार जल्द से जल्द मोहर लगाना चाहती है, लेकिन जहां एक तरफ विपक्ष उसके सामने चट्टान की तरह खड़ा है तो वहीं अब मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुनील अरोड़ा ने भी उनके अरमानों के पंखों को काट दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि देश में एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव या एक देश एक चुनाव बहुत जल्द नहीं होने वाला है। सुनील अरोड़ा ने न सिर्फ मोदी सरकार की जल्दी पर ब्रेक लगाया बल्कि गेंद को विपक्ष के पाले में डाल दिया। उन्होंने कहा कि ये तब तक नहीं हो सकता जब तक सभी राजनीतिक दल एक साथ बैठकर आम सहमति नहीं बनाते। उन्होंने ये बयान निर्मा विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में दिया। सुनील अरोड़ा ने कहा कि हम लोग सैद्धांतिक रूप से इस पर सहमत हैं, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि राजनीतिक दल एक साथ बैठकर सर्वसम्मति पर नहीं पहुंच जाते और कानून में जरूरी संशोधन नहीं लाया जाता। उनका ये बयान मोदी सरकार के सपने को चकनाचूर करने जैसा है, क्योंकि सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द ये कानून बने जिससे केंद्र में चली मोदी लहर दूसरे राज्यों में भी चले। इसी एजेंडे को पूरा करने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में 19 जून को एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, लेकिन कई दलों ने इसका बहिष्कार किया। उसी वक्त साफ हो गया था कि मोदी सरकार की महत्वाकांक्षाएं इतनी जल्द पूरी नहीं होने वाली हैं, और आज चुनाव आयोग ने भी उसे हकीकत से रूबरू करवाया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तड़प उठूं भी तो जालिम तेरी दुहाई न दूं, मैं जख्म जख्म हूं फिर भी तुझे दिखाई न दूं। आज रात 8 बजे घूमता हुआ आईना में हमारे साथ देखिए मंदी का क्या है फोन कनेक्शन।